जैन गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक टॉपिक है हॉट टॉपिक 2023 के पेपर्स में, आप उस टॉपिक का ऐसे कैसे लिख सकते हैं और किन चीज़ों का आपको बात ध्यान में रखना है। सो ये वीडियो आपको CAPF पेपर 2 असिस्टेंट कमांडेंट UPSC सिविल सर्विसेज और स्टेट PCS के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारा ऐसे का टॉपिक है इलेक्शन या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, एन अप्रोच टू इफेक्टिव डेमोक्रेसी। कैसे डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने के लिए इलेक्शन में रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के ऐसे में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, उसका मैं आपको आज ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक तो कोई रीसेंट में कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई न्यूज हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा वर्डिक्ट आया है जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म से रिलेटेड हो, तो उसको शामिल करना, और उसके साथ साथ डेमोक्रेसी पर बेस्ड कोर्ट या इलेक्ट्रल रिफॉर्म पर बेस्ड कोर्ट कैसे आप यूज कर सकते हो, इजी और इजी टू लर्न करने वाला कोर्ट और इम्पैक्टफुल कोर्ट, तो ये दो चीजें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। और उसके साथ बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, और डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर के या इलेक्शन सिस्टम को लेकर के, तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन से उठाने हैं। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, उसकी कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हो, और फिर कुछ कमिटीज के नाम सजेस्ट कर सकते हो जो इंडिया में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर के बने हैं। ये कौन कौन सी कमिटी है, बहुत सारी कमिटीज है, लेकिन कौन सा आप याद रखें जिससे कि आपका आंसर इम्पैक्टफुल हो, आपके एसे में जान आ जाए, वो आपको इसके अंदर पता लगेगा। देन इश्यूज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें अभी क्या कमियां हैं और उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, तो सुधार के लिए रिफॉर्म्स दैट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस, ये उसके बाद आप मेंशन करोगे। तो सारा स्ट्रक्चर में करना है, ये सारा रैंडम नहीं करना है कि रिफॉर्म पहले कर दिया, रोल ऑफ डेमोक्रेसी बाद में कर दिया, कमिटी बाद में लिख दी लास्ट में, इलेक्शन की डेफिनेशन तो ऐसे नहीं। फिर रोड मैप टू अचीव द विजन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये 8 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रल रिफॉर्म का एसे या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर के भी ये टॉपिक चेंज करके बोल सकता है। एंड फाइनली कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में किस तरीके से इंपैक्टफुल वर्ड्स को आप एड ऑन कर सकते हैं और पूरे एसे का क्या पोर्शन कंक्लूजन में आप लिंक करोगे, कंक्लूजन को कैसे टॉपिक के थीम से रिलेट करके लिखना है, मल्टीपल टाइप के कंक्लूजन्स एग्जांपल के साथ आपको जानने को मिलेंगे। तो ये इसका जो डेप्थ ऐसे है उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे राइटिंग स्किल के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आंसर चेकिंग भी होती है, इंडिविजुअल आंसर चेकिंग होती है, फीडबैक भी दिया जाता है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, नाम है नेगी GS गुरु ऐप का नाम, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द लोगो ऑफ माय ऐप, तो यहाँ पर आप सर्च में डालें नेगी GS गुरु, 5-star रेटिंग के साथ आपको ये ऐप दिख जाएगा। सो इसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी रेलेवेंट और टेक्निकल और रिक्विजिट नॉलेज अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।